यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से कैसे हो आप लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो अपने को मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, जीएसटी। बट समझ लेते हैं पहले ये होता क्या, बेसिक टैक्स क्या होता है। चलो पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। क्या आपको पता है टैक्स का मीनिंग क्या है? अभी तो आप नया नया, अभी 11th में आपने एंट्री लिया तो आपको कैसे पता होगा। बट अगर आप जो लेक्चर देख रहे हो, अगर आप डिग्री में हो तो आपको पता होगा, इसका बेसिक आइडिया पता होगा। चलो पहले समझ लेते हैं टैक्स का मीनिंग क्या होता है। मुझे आप बताओ, जनरली जो वर्ड है टैक्स, जनरली जो वर्ड टैक्स है आपने कहाँ सुना हुआ है? आपने सुना हुआ है आप उन गवर्नमेंट को पे करते हैं। किसको पे करते हैं बोलो? गवर्नमेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ये टैक्स लेती क्यों है? सिंपल क्वेश्चन, गवर्नमेंट ये टैक्स लेती क्यों है? बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न गवर्नमेंट को देश चलाना होता है। गवर्नमेंट को क्या करना होता है बोलो? देश चलाना होता है। अच्छा, देश चलाने का मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को कौन से खर्चे करने होते हैं, सोच के आंसर दो। रोड बनवाना होता है, स्ट्रीट लाइट लगवाना होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, ये बेसिक खर्चे हैं। जो भी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जो भी डिफेंस सिस्टम है, इन सबको जो पेमेंट जाती है गवर्नमेंट को, कहाँ से जाती है? गवर्नमेंट टैक्स लेके तो सब पे करती है, हाँ या ना? ठीक है, तो टैक्स का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ लेवी बाय द गवर्नमेंट। लेविड बाय द गवर्नमेंट मतलब टैक्स कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट लेवी करती है। मतलब कौन चार्ज करता है? लेविड मतलब कौन चार्ज करता है अपने को? गवर्नमेंट चार्ज करता है। नाउ टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्लियर हुआ? मुझे फिर से बोलो, टैक्स का मीनिंग क्लियर हुआ? क्या था टैक्स का मीनिंग? ये एक लेविड है, मतलब एक चार्ज है। किसके तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ये क्यों कलेक्ट करती है टैक्स? गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, सोच के आंसर दो। गवर्नमेंट के टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? आंसर सिंपल है सर, गवर्नमेंट को इतने सारे खर्चे करने होते हैं, जैसे कहीं रोड बनवाना होता है, ब्रिज बनवाना होता है, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट आपसे पैसा पहले कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में, और फिर उसको खर्चा करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है सर, क्या फ़र्क है दोनों में? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, ध्यान से सुनना आप, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट सीधे इंडिविजुअल के इनकम पे चार्ज करती है। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? सीधे इंडिविजुअल के इनकम पे चार्ज करती है। मतलब से मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, एग्जांपल है, मेरी इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए। तो मेरी इनकम पे जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी ना, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। देखो एग्जांपल में मैंने क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स। मीनिंग, जनरली आपने कभी सुना होगा कि अगर 2.5 लाख तक इनकम है तो टैक्स नहीं है, जनरली ऐसा सुना होगा। तो क्या होता है, स्लैब होता है, अलग अलग स्लैब रेट होते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भरना होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है सर? जो इंडिविजुअल में इंडिविजुअल हूँ, मेरे इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? डायरेक्ट टैक्स। तो मुझको कितना डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर, में जितना कमाऊँगा ज़्यादा भरना पड़ेगा, कम कमाऊँगा कम भरना पड़ेगा, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही मालूम पड़ता है इनडायरेक्ट लगने वाला है। ये देखो नाम क्या था, डायरेक्ट मतलब अपनी इनकम पे सीधा लगने वाला है, तो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम पे सीधा नहीं लगेगा, मतलब आप कमाओगे तो ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कमाओगे तो ये वाला टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स है? जब आप खर्चा करोगे तो देना पड़ेगा। कमाते टाइम कौन सा ये टैक्स भरोगे? खर्चा करते टाइम कौन सा टैक्स भरोगे? जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप एक बिस्किट खरीदते हो, मार्केट में जाके आप एक बिस्किट खरीदते हो, बिस्किट के लिए आपने 10 रुपये पे किया, क्या लगता है आपने टैक्स दिया? आंसर यस। वो बिस्किट के पीछे वो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड है, सारे टैक्सेस क्या हैं उसमें इंक्लूड है, क्लियर है? मीन्स आप कोई भी चीज़ खरीदोगे फिर जो टैक्स देना पड़ेगा वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब क्या ये इनकम पे गवर्नमेंट चार्ज करती है? नहीं, तो कब चार्ज करती है? तो जब आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उस टाइम पे जो पे करते हो उस टैक्स को आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट टैक्स।
क्या बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? ठीक है, नाउ डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कवर करता है? आपको पता है ना इंडिया में 3-tier गवर्नमेंट है, 3-level ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं करते हम लोग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा है मैंने, चलो मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेंटर, और ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट। ये सेंटर का मतलब क्या है? मतलब वो टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और ये क्या मतलब है, वो टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस चार्ज करती है? सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये सारे टैक्सेस कौन चार्ज करता है? सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करती है? VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स। ये सारे टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या ये आपने GST पढ़ा? आंसर नहीं। GST से क्या हुआ पता है आपको? ये सारे टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए, मतलब सारे के सारे क्या हो गए बोलो? सबस्यूम्ड हो गए। सबस्यूम्ड का मीनिंग क्या है? मिलके, और मिलके एक टैक्स बन गया जिसको आप बोलते हो CGST। ये सारे के सारे टैक्स सबस्यूम्ड हो गए, सबस्यूम्ड हो गए मतलब मिल गए, और मिलके क्या बन गया बोलो? SGST। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने, पहले सेंट्रल इतना सारा टैक्स लगा देती थी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST, ये सारे टैक्स अब नहीं लगाती गवर्नमेंट। इसके बदले कौन सा टैक्स लगा देती है? CGST, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे टैक्स चार्ज करती थी, इनके बदले अब ये नहीं चार्ज करके कौन सी चार्ज करती है? SGST, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपने सुना होगा GST का एक स्लोगन था उसके बाजू में, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर हुआ? तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन वसूल करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल वसूल करता था, ये सेंट्रल जो है CGST, स्टेट जो वसूल करता है वो SGST, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं GST में। अच्छा ये GST डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? सोच के आंसर दो, ये GST डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स में ये अलग अलग इतने सारे टैक्सेस थे, इन सबको मिला के कौन सा टैक्स बना? एक टैक्स मिला जिसको आप क्या बोलते हो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हो बोलो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स पे वैट लगता था। ये सारे देखो, ये भी गुड्स पे लगता था, ये भी गुड्स पे लगता था, ये भी गुड्स पे लगता था, ये सब अलग अलग गुड्स पे लगते थे। अब चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों पे कौन सा लगता है टैक्स? GST लगता है, ठीक है। नाम से ही मालूम पड़ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। नाउ क्वेश्चन अराइज, गुड्स का क्या मीनिंग है और सर्विस का क्या मीनिंग है? सोच के आंसर दो। गुड्स का मीनिंग क्या है? आप किसको गुड्स बोलते हो? कोई भी चीज़, जैसे देखो ये क्या है, गुड्स है, फैन गुड्स है, बोर्ड गुड्स है, हाँ या ना? तो जो भी दिखता है वो आपको पता है, ये गुड्स कमोडिटीज। सर्विस मतलब जैसे अपन प्लेस ए से प्लेस बी तक जाते हैं बाय बस, तो बस वाले को फेयर भी देते हैं प्लस सर्विस टैक्स भी देते हैं। तो पहले सर्विस टैक्स देते थे, अब GST देते हैं। मतलब चाहे सर्विस लो आप, मैं एक टीचर हूँ तो मैं जब टीच कर रहा हूँ आपको, तो आपकी फीस प्लस GST, तो मैं कौन सा टैक्स लूँगा, गुड्स टैक्स या सर्विस टैक्स? GST के पहले सर्विस टैक्स, अब GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स बेचो या सर्विस, दोनों पे एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम क्या है? GST, ठीक है। अब समझना, GST में दो टाइप है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब जब विद इन स्टेट डील करोगे, इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट या आउटसाइड द स्टेट बोल सकते हो। विद इन टू स्टेट, आउटसाइड द स्टेट या बिटवीन टू स्टेट, दोनों बोल सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, समझना बात को, समझो। यहाँ लिखूँ मैं एग्जांपल? ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल देखो, ये पर्सन ए है, इसने गुड्स बेचा, किसको बेचा? पर्सन बी को। तो पता है जो बेच रहा है इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप सप्लायर बोलोगे, और ये जो खरीद रहा है इसको क्या बोलोगे आप? इसको आप रेसिपिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे बोलो? रेसिपिएंट।
अब समझो, तो जो बेच रहा है वो सप्लायर, जो खरीद रहा है वो रेसिपिएंट। अब रुकना, ये कहाँ पे जानते हो, उसका मैं नाम ऊपर लिख देता हूँ। ये ए है, ये बी है। ये कहाँ पे जानते हो, ये है महाराष्ट्र में, और ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दोनों ही महाराष्ट्र में रहते हैं, अलग अलग सिटी में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकता है, ये पुणे में हो सकता है, ठीक है। चलो ले लो, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, और ये पुणे में, तो दोनों ही महाराष्ट्र में है। तो देखो, बेचने वाला भी कहाँ पर है, एक महाराष्ट्र स्टेट में, और ख़रीदने वाला भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो पता है, ये जब माल बेचेगा, तो सपोज़ मान लेते हैं हम लोग 100 रुपये का सामान है, तो उस पर 18% समझो GST लगा, 18% GST लगा। GST के अलग अलग रेट हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% अलग अलग रेट है। तो अभी उतना डिटेल में नहीं सीखना, अभी खाली समझना है कि GST का होता क्या है। मतलब GST का डिटेल अब कहाँ पढ़ोगे, आगे डिग्री में जब जाओगे तो अब GST को डिटेल मैनर में पढ़ोगे, वहाँ तो पूरा एक सब्जेक्ट आ जाएगा GST। यहाँ तो एक टॉपिक है GST खाली, अभी भी आपने क्लास 11 में एंट्री लिया होगा, इसका पूरा सब्जेक्ट डिग्री में जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब तो 18%, तो पता है क्या होगा, 18% सीधा सीधा नहीं लगेगा, हाफ लगेगा CGST और हाफ लगेगा SGST, CGST एंड SGST। 18 का हाफ करो 9%, तो 9 रुपया और 9 रुपया, तो ये सामान कितने का हो गया, 118 रुपये का। बताओ टैक्स कितना लगा, 18%, 100 रुपये का 18%, 18 रुपया। लेकिन क्या 18% एक टैक्स लगा, दो टैक्स लगा, CGST भी लगा और SGST भी लगा। मतलब इंट्रा स्टेट हुआ, मतलब विद इन द स्टेट हुआ कि नहीं हुआ। ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में, बेचने वाला भी महाराष्ट्र में, ख़रीदने वाला भी महाराष्ट्र में। तो ये जो डील हुआ विद इन स्टेट हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन को कौन सा ट्रांजेक्शन आप बोलोगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ में आया, क्या मीनिंग है? एक ही स्टेट में, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल में महाराष्ट्र लिया हुआ है, वो गुजरात हो, वो राजस्थान हो, UP हो, MP हो, कुछ भी हो, उस स्टेट में ख़रीदने वाला और बेचने वाला अगर उसी स्टेट में, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, मैं गुजरात की बात करता हूँ, गुजरात में ही एक प्लेस पे कोई मिस्टर ए है और दूसरे प्लेस पे गुजरात में भी है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सप्लायर और रिसिपिएंट, बेचने वाले को सप्लायर, ख़रीदने वाले को रिसिपिएंट, ये दोनों एक ही स्टेट में है, तो कौन सी GST लगेगी, CGST और SGST। कौन सी GST लगेगी, CGST और SGST। कितने रेट पे, इक्वल रेट पे। मतलब अगर GST का रेट 18% है, तो 9% CGST, 9% SGST। हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, ठीक है, मैंने बहुत छोटा लिखा है वो। अगर GST का रेट 28% है, तो 14%, 14%। अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विस पे अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। तो आपको वो डिटेल स्टडी नहीं करना है कि कौन से गुड्स पे कितना परसेंट रेट है, वो सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी रेट होगा हाफ ऑफ लगेगा। अच्छा, अगर 5% है GST का रेट, तो 2.5% CGST चार्ज होगा और 2.5% SGST चार्ज होगा। तो अभी आपको कितना समझना है कि सर अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, मतलब वो विद इन द स्टेट हुआ है, अच्छा विद इन द स्टेट है, तो कौन कौन सी GST लगेगी, CGST और SGST। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो नाम से मालूम पड़ रहा है, ये जो GST का अमाउंट है वो कौन कलेक्ट करेगा, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इंटर स्टेट समझ में आया, एक ही स्टेट विद इन स्टेट। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट या फिर आउटसाइड द स्टेट, दोनों बोल सकते हो। एग्जांपल देखो, ये एक प्लेस है, समझो ये है महाराष्ट्र, प्लेस छोड़ो, मिस्टर ए कहाँ पे है अभी, महाराष्ट्र में, इसने माल बेचा एक पर्सन को, बी को, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, माल 100 रुपये का है, GST का रेट 18% है। पहले मुझे बताओ, ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटरस्टेट? इंटरस्टेट कब होगा, जब सेम स्टेट में होगा, तो स्टेट चेंज हो गया, तो महाराष्ट्र में है और वो गुजरात में है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा होता तो CRS चार्ज करते, इंटरस्टेट है तो क्या चार्ज करोगे, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सपोज GST का रेट 18% है, तो IGST कितना चार्ज होगा बोलो, IGST 18% चार्ज होगा, तो 18% चार्ज करोगे, अगर 18% चार्ज करोगे तो 18 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 118 रुपया। बात समझ में आई? अच्छा, ये कौन कलेक्ट करता है, जैसे ये मैंने कहा कि
हाफ हाफ चार्ज होता है, ये कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन कलेक्ट करता है? आंसर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या खुद रख लेता है पूरा कलेक्ट करने के बाद? आंसर नहीं, हाफ अपने पास रखता है, कलेक्ट तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ अपने पास रखता है और हाफ अमाउंट किसको दे देता है? स्टेट को दे देता है। मतलब 118 कौन कलेक्ट करेगा? पूरा का पूरा सेंटर। हाफ रख लेगा पैसा, टैक्स अमाउंट हाफ रख लेगा और हाफ उस रिस्पेक्टिव स्टेट को दे देगा जहाँ से वो कलेक्ट हुआ था। कोई डाउट? ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विद इन स्टेट हुआ तो CGST और SGST। अगर वो कोई UT है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे क्या लगता है? CGST और UT GST लगता है। तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ जैसे अंदमान एंड निकोबार है, वो क्या है? UT है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे अगर इंट्रा स्टेट हुआ ना, इंट्रा स्टेट मतलब एक कोई एक पर्सन है और दूसरा भी पर्सन भी वहीं है, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? कौन सा GST लगेगा? UT GST एंड CGST। CGST और UT GST क्यों? क्योंकि वो स्टेट नहीं है अंदमान एंड निकोबार, वो क्या है? UT है। तो ये S को किससे रिप्लेस कर दोगे? UT से। तो UT GST बस। यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सब्जेक्ट आएगा, जब आपको GST पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट महीने का, डिग्री में जाओगे तो पूरा सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कि UT GST क्या होता है, कैसे, कितने UT हैं इंडिया के अंदर, कितने स्टेट हैं। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो चलो मुझे बताओ, एक बार क्विक रिविजन कर लें। टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टैक्स क्या होता है? सर, एक अमाउंट, एक चार्ज जो गवर्नमेंट चार्ज करती है अपने नेशन के लोगों पे, कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? बहुत सारा खर्चा होता है गवर्नमेंट को उसको मीट करने के लिए। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट मतलब जो इंडिविजुअल सीधे अपने इनकम पे चार्ज करे, इनडायरेक्ट मतलब इनकम पे चार्ज नहीं होता है, जब आप माल खरीदोगे तो आप पे करोगे, राइट? ठीक है। पहले ये देखो, ये सब क्या थे? ये मैंने क्यों लिखा अपना है? अब ये टैक्स नहीं लगता है, अब ये पुराने हो चुके, अब ये नहीं लगते हैं, अब सीधा क्या लगता है? CGST SGST। तो ये क्यों लिखा मैंने, वो पता तो चले पहले कौन कौन से टैक्स लगते थे। तो ये सारे टैक्स लगते थे, अब ये सब हट गया। मतलब GST के आने से ये सारे अलग अलग टैक्स नहीं लगते हैं, सिर्फ एक टैक्स लगता है जिसको आप GST बोलते हो और उसके अंदर S और CGST। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कितना है? दो बार, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मतलब सर विद इन द स्टेट, इंटर बिटवीन टू स्टेट। इंट्रास्टेट हुआ तो क्या चार्ज करोगे? CGST SGST। CGST कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST स्टेट गवर्नमेंट। इंटरस्टेट मतलब सर बिटवीन टू स्टेट या फिर आउटसाइड द स्टेट बोलो, दोनों ही चलेगा। आउटसाइड द स्टेट कैसे? सर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर बेचा तो आउटसाइड द स्टेट। बिटवीन टू स्टेट देखो ना, दो स्टेट के बीच में हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो डाउट यहाँ पे आगे बढ़ें। चलो, तो आउटसाइड द स्टेट हो गया, क्या चार्ज करोगे? IGST। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट करने के बाद हाफ पैसा किसको दे देता है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर, अब कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर बोलो, देखो क्या फीचर है GST के। इट इज़ अ कॉमन लॉ। कभी से मैं आपको वही समझा रहा हूँ, कॉमन क्यों है? पहले इतने सारे अलग अलग टैक्स लगते थे, अब सिर्फ कौन सा टैक्स लगता है? GST। तो सब सब्स्यूम्ड हो गए, कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब ध्यान से समझो, मेरे एग्जांपल में ए ने बी को गुड्स बेचा, तो गुड्स किसके पास पहुंचा? बी के पास पहुंचा। तो गुड्स का डेस्टिनेशन ए के पास है कि बी के पास है? सर बी के पास है। तो बी ने जब खरीदा तो टैक्स किसने पे किया? बी ने पे किया, राइट? सामान कितने का था? 100 रुपये का था। 18% टैक्स देने के बाद सामान कितने का हो गया? 118। तो बी ने ए को कितना दिया होगा? 118 रुपये दिया होगा। बी ने ए को कितना दिया होगा? 118 रुपये दिया होगा, राइट? तो टैक्स किसने पे किया? सर रिसिपेंट ने पे किया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मीनिंग समझ में आया? तो जो गुड्स खरीदेगा वो टैक्स भरेगा, जो गुड्स खरीदेगा, जिसके पास गुड्स पहुंचेगा। देखो डेस्टिनेशन गुड्स का यहाँ पे, तो टैक्स इसने पे किया, बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स पेड बाय सप्लायर बट बॉर्न बाय कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। वो बोल रहे हैं टैक्स पेड कौन करता है? सप्लायर, लेकिन बॉर्न कौन करता है? कंज्यूमर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? लिखा है टैक्स पेड बाय सप्लायर, लेकिन यहाँ पे तो टैक्स किसने दिया?
रिसिपिएंट नहीं दिया, यहाँ पे भी टैक्स किसने दिया, रिसिपिएंट ने दिया, हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ। मिस्टर बी से मिस्टर ए ने ले तो लिया कितना रुपया, 118 रुपया। क्या लगता है मिस्टर ए पूरा का पूरा 118 अपने जेब में रखेगा? आंसर नहीं, मिस्टर ए ने 100 रुपये का सामान था, बेचते टाइम 18 रुपया टैक्स लगाया जीएसटी के नाम पे और लिया 118 रुपया, तो 118 पूरा जेब में नहीं रखेगा, 100 अपने जेब में रखेगा और 18 रुपया किसको देगा? गवर्नमेंट को। सर गवर्नमेंट को क्यों देगा? क्योंकि किसके नाम पे वसूला है 18 रुपया? जीएसटी के नाम पे। जीएसटी किसने चार्ज करने बोला था? गवर्नमेंट ने चार्ज करने बोला था। तो सपोज़ मैं मिस्टर ए हूँ, तो मैंने कलेक्ट तो 118 किया, 100 रख लूँगा, 18 किसको दे दूँगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन कर रहा है? सप्लायर है रिसिपिएंट, सप्लायर। मैंने कलेक्ट किया रिसिपिएंट से, लेकिन मैं पे किसको करूँगा? गवर्नमेंट को। तो टैक्स पे करने वाला कौन है गवर्नमेंट को? सप्लायर। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, बॉर्न बाय कंज्यूमर लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग समझो ध्यान से, बी ने किसको पे किया था? ए को पे किया था। बी भी कौन था? बिजनेसमैन था, समझो, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। अब इसने क्या किया, ये गुड्स बेचा किसी सी को, लेकिन ये बिजनेसमैन नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा, इसने कितने में ख़रीदा सामान? 118 में ख़रीदा। 118 में से 100 रुपया इसने किसका दिया था? सामान का। 18 रुपया किसका दिया था? जीएसटी का। तो 100 रुपये में क्या करेगा पता है? 20 रुपया अपना लगाएगा प्रॉफिट। सामान कितने का होगा सर? 20 का। उस पर ये चार्ज करेगा 18%। अब 120 पे 18% चार्ज करोगे तो कितना आएगा? 120 पे 18% चार्ज करोगे तो आएगा 21.6। तो ये कितना हो जाएगा? 141.6। मतलब ये जब इसको बेचेगा तो कितना लेगा? 141.6 रुपीज़ लेगा। मतलब बी जब सी को बेचेगा तो कितना पैसा लेगा? 141.6। सर कैसे? बी ने कितने में लिया था सर? 118 में, 118 पे किया था। उसमें से इसको भी तो पता है ना, मैंने 18 रुपया तो टैक्स का दिया, 100 रुपये ही सामान का दिया, तो वो क्या करेगा? सामान में अपना प्रॉफिट रखेगा। कितने का हो गया? 120। उस पर 18% जीएसटी लगाया, 21.6, तो सामान हो गया 141.6 का, बेचा सी को। अब मुझको बताओ, बी ने जो 141.6 में बेचा है, उसमें से इसको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 21.6, हाँ या ना? क्योंकि 120 का सामान था, उसने 18% जीएसटी लगाया गवर्नमेंट के नाम पर, ये गवर्नमेंट को कितना देगा? 21.6, वो तो जीएसटी का पैसा है, बराबर? नहीं, पता है बी से जब गवर्नमेंट बोलेगा कि 21.6 निकालो, ध्यान से सुनना, अभी यहाँ ट्विस्ट है, बी ने 21.6 रुपीज़ कलेक्ट तो किया, क्या वो पूरा भर देगा? सपोज़ वो बी में ही हो, तो जब मैंने ये 100 रुपये का सामान 118 में ख़रीदा था, तो मैंने इसको बेचते टाइम 141.6 में बेचा था। ध्यान रहे, टैक्स अमाउंट पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, मतलब 118 में ख़रीदा तो ये नहीं कि अब 118 पे प्रॉफिट ऐड करके फिर उस पर टैक्स लगाऊं, नहीं, टैक्स अमाउंट पहले अलग कर लेने का, ठीक है? तो 100 में से 118 में से मैंने टैक्स जो 18 दिया था वो साइड कर दिया, बचे 100, उस पर लगाया मैंने प्रॉफिट 120। अब 120 पे 18% जीएसटी लगाया, 21.6 में बेच दिया, तो वसूला मैंने 141.6, उसमें से 21.6 गवर्नमेंट के नाम पे वसूला है, मतलब जीएसटी के नाम पे, तो वो मेरे को पूरा देना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। 120 में रख लूँगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे सोच के बताओ, वो 21.6 मैं पूरा दे दूँ गवर्नमेंट को? मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने वसूला तो है 21.6, दे दूँ पूरा गवर्नमेंट को? नहीं दूंगा। क्या बोल रहा हूँ? 21.6 गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। पता है मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा? बोलूँगा देखो, ये सामान मैंने बेच के वसूला कितना? टैक्स का अमाउंट खाली 21. ये जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने कितना टैक्स दिया था? 18 रुपया। तो मैं क्या बोलूँगा पता है? ये 18 रुपये का मुझको ITC चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने खरीदते टाइम जो टैक्स दिया था ना, उसको इनपुट टैक्स बोलूँगा, और बेचते टाइम जो टैक्स वसूला है उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। मैंने कहा डिटेल में आगे पढ़ोगे तो सब बताया जाएगा आपको। मैंने जो पे किया खरीदते वक्त वो इनपुट टैक्स, बेचते टाइम जो वसूला आउटपुट टैक्स। तो मैंने इनपुट टैक्स कितना दिया था? 18 रुपये। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा उसका मुझको क्रेडिट चाहिए, तो 21.6 में से 18 माइनस करो, तो बचा कितना? 3.6। मैं गवर्नमेंट को सिर्फ 3.6 दूंगा। मैं गवर्नमेंट को सिर्फ कितना दूंगा? 3.6। समझ में आया? क्यों? 18 तो मैंने पहले ही भर दिया है, 21.6 जो मैंने वसूला उसमें से 18 रुपये तो मैंने दे दिया,
तो मैं पहले क्या करूँगा पता है, टैक्स में से जो भरा था वो रख लूँगा अपना 18 रुपया, 3.6 किसको दे दूँगा, गवर्नमेंट को दे दूँगा। तो मुझको बताओ मैंने टैक्स अमाउंट बॉर्न किया, मतलब बर्डन मेरे ऊपर आया, आंसर नहीं। मैं बिजनेस मैन हूँ, जितना खरीदते टाइम जो टैक्स दिया था बेच के जो वसूलूंगा उसका क्रेडिट रख लूँगा, जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट को दे दूँगा। तो मुझे तो बॉर्न करना ही नहीं पड़ा, बर्डन तो मेरे पास आया ही नहीं। लेकिन ये जो कंज्यूमर है सी, इसने ये बेचने के लिए नहीं ख़रीदा था, इसने ये खाने के लिए ख़रीदा था। तो इसको कॉस्ट कितना आया था, 141.6। तो ये ITC ले सकता है, जैसे इसने ITC लिया था, क्या ये ITC ले सकता है? नहीं, ये आगे फर्दर बेचेगा तो फिर ये ITC ले सकता है, बट ये तो कंज्यूमर है, इसने ख़रीदा है बेचने के लिए थोड़ी, इसने तो खाने के लिए ख़रीदा है। तो पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट देखो इस पे बर्डन आया, सामान था 100 रुपये का, मिला कितने में इसको, 141.6। पूरा का पूरा टैक्स इसने बॉर्न किया, कंज्यूमर ने बॉर्न किया। क्या ये जो टैक्स भर रहा है, देखो इसने जो टैक्स भरा था अपना तो वसूल लिया ना, इसने बेच के जो आया उसमें से अपना 18 रख लिया, 3 रुपये गवर्नमेंट को दे रहा है। पूरा का पूरा बॉर्न किसको होता है, कंज्यूमर को। ये मैंने बहुत मतलब फास्ट बताया इसको, क्योंकि ये अपने को नहीं आने वाला, सिर्फ मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था। डिटेल हम लोग डिग्री में सीखेंगे, तो डोंट वरी कि ये क्या है, ठीक है। चलो खाली आपको एक बेसिक आइडिया आया कि कैसे बॉर्न किया कंज्यूमर ने, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं, GST के फ़ायदे क्या हैं। पहला, रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। पहले क्या होता था, सेम प्रोडक्ट पे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे उस पे वैट भी लग गया, उस पे एंट्री टैक्स भी लग गया, तो बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। अब वो नहीं लगते, क्योंकि अब हट के सिर्फ एक ही टैक्स है जिसका नाम क्या है, GST। तो पहला फ़ायदा हुआ, बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगते, बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे तो सामान सस्ता मिलेगा, ठीक है। दूसरा, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब पहले क्या होता था पता है, जब एक मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता था तो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, एक्साइज ड्यूटी। तो ऑलरेडी मैं मैन्युफैक्चर करने के बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी दूंगा, फिर इसका कॉस्ट बढ़ेगा, फिर जब बेचूंगा तो इस पर वैट लगा दूंगा, तो इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। मतलब एक बार इस पर देखो, ध्यान से समझो, ये जब भी मैंने मैन्युफैक्चर किया, ये जब भी मैंने मैन्युफैक्चर किया रॉ मटेरियल से, तो मैंने क्या किया होगा, क्या पे किया होगा, एक्साइज ड्यूटी। जब मैं इसको बेचूंगा तो इस पर और क्या चार्ज करूंगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, और बढ़ जाएगा, कॉस्ट और बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी एक टैक्स लगाया हुआ मैंने, फिर उस टोटल अमाउंट पे मैं एक और टैक्स लगाऊंगा। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझो कोई सामान है 100 रुपये का कॉस्ट, ये बना रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चर किया मैंने 100 रुपये, इस पर एक्साइज ड्यूटी मैंने कितना दिया, 10 रुपये, कितना हो गया, 110। जब मैं बेचूंगा तो वैट भी देना पड़ता है, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब ऐसा होता था, अब तो नहीं होता है, पहले तो समझो वैट लग रहा है 5%, तो 110 पे लगाओ 5%, 110 पे लगाओ 5%, तो कितना आया, 5.5। तो ये सामान कितने का हो गया, 115.5। मेरा क्वेश्चन है, ये 100 रुपये पे तो टैक्स लगा ही लगा, ये 10 रुपये पे भी टैक्स लग गया, क्योंकि आपने 110 पे चार्ज किया, मतलब इस पे भी चार्ज किया, इस पे भी चार्ज किया, समझ रहे हो। तो ऑलरेडी टैक्स अमाउंट पे भी आपने टैक्स चार्ज कर दिया, इसको बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, वो निकल गया। कैसे निकल गया, अभी एक ही टैक्स लगता है तो निकल ही गया। थर्ड, इंक्रीज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, GST से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती है, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है, तो एक फ़ायदा है, अपने लिए नहीं गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है, इनडायरेक्टली अपने लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फ़ायदा मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो अपने को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, मान के चलते हैं फ़ायदा मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता है आपको पता है, ठीक है। इट रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट का मीनिंग, पहले क्या होता था, बिजनेस मैन को, मैं बिजनेस मैन हूँ तो अलग अलग रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, सर्विस टैक्स का अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता था, वैट का अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता था। अभी रिटर्न फाइल करना क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे, जब टैक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे। जनरली आप समझो रिटर्न फाइल करना मतलब अपने परचेज सेल का डेटा गवर्नमेंट को देना, उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। तो वैट का अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता था, सर्विस टैक्स का अलग, तो CA को भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता था, मतलब जो आपका अकाउंट्स कर रहा है, जो आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता था। तो कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, अब एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है GST, तो फीस भी कम देनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। तो फ़ायदा है कि नहीं बिजनेसमैन का, फ़ायदा है। नेक्स्ट, ईज ऑफ कलेक्शन। गवर्नमेंट को इस टैक्स को कलेक्ट करना भी इजी हो गया। कैसे कलेक्ट करना इजी हो गया, पहले अलग अलग टैक्स लगता था, तो ये देखो ये वैट ये वसूलता था, सर्विस टैक्स ये वसूलता था, तो वसूलने में बहुत सारा टेंशन होता था। क्या टेंशन होता था, ये डिपार्टमेंट का अलग,
ये डिपार्टमेंट का अलग 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 खर्चा देना पड़ता था गवर्नमेंट को कलेक्शन के लिए। अब गवर्नमेंट एक ही डिपार्टमेंट से काम हो सकता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, जो पूरा पैसा वसूलने वाली है, ठीक है। तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। तो होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट लिख के अपने नोटबुक में आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक्स कवर किए हुए हैं क्योंकि अभी अपन क्लास 11th में हैं। जब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब हम लोग डिग्री में आएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे पूरा समझेंगे कि पूरा जीएसटी क्या है। ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, तो होप आपने वो कम्प्लीट कर लिया होगा। वो भी मैंने बहुत डिटेल मैनर में कवर किया होगा, तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और हाँ, अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है कि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन इनहेंस हो रहा है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाय बाय।